हेलो फ्रेंड्स, बीटीसी क्रिप्टो सीरीज की एक और नया वीडियो में आपका स्वागत है। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पर अभी हम फ्यूचर ट्रेडिंग करेंगे, बीटीसी यूएसडी फ्यूचर ट्रेडिंग करेंगे लेस कैपिटल के साथ। 10,000 से हमने स्टार्ट किया था। यहाँ पे आप देख लो, एक एक वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ऑप्शन सेलिंग एंड फ्यूचर ट्रेडिंग सारे चीज़ें एक्सप्लेंड है, एक एक करके जाके आप देख सकते हो। आज हम अभी फ्यूचर ट्रेडिंग करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे सर फ्यूचर ट्रेडिंग करके दिखाइए लेस कैपिटल से, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए, ठीक है, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। बहुत सारे लोग यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज पे जाके राइट यहाँ पे आके अकाउंट ओपन कर लेते हैं एंड देन उसका बैंक एडिशन, फंड्स ऐड एंड विथड्रॉल में प्रॉब्लम आते हैं। तो आपको क्या करना है, इंडिया डॉट डेल्टा एक्सचेंज पे आना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस सिंपल रखिए, एसएल तो हिट होगा, ये आपको एक्सेप्ट करना है। मार्केट के साथ फाइटिंग करके कोई फायदा है नहीं। तो आपको ये समझना होगा कि मेरा विनिंग जो रेट है वो मुझे 50% करना है। देखिए, विनिंग रेट रिस्क एंड रिवार्ड के हिसाब से भी काम करेगा। अगर आपका विनिंग रेट 50% है एंड रिस्क एंड रिवार्ड 1:2 है, दैट मीन जब आप लूज कर रहे हो 1 रुपीस लूज कर रहे हो और जब विन कर रहे हो तब आप 2 रुपीस विन कर रहे हो, तब भी आप अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है, मैं हमेशा यहाँ पे 1:3 रिस्क एंड रिवार्ड को फॉलो करता हूँ, ठीक है। क्रिप्टो में इससे लेस अगर आपका रिस्क एंड रिवार्ड है तो आप यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे क्योंकि चार्जेस ज़्यादा है। सबसे पहली बात ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अभी हम प्रॉपर एनालाइज करते हैं एंड देन यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करेंगे, ठीक है। तो अभी सबसे पहले 1 आवर टाइम फ्रेम में आप देख लो क्या व्यू देखने को मिल रहा है। करेंट प्राइजेक्शन अगर देखोगे वो देखोगे कि यहाँ से लास्ट 5-6 आवर्स यहाँ पे अच्छा खासा बुलिशनेस दिखा है, थोड़ा सा रिट्रेस्ट ले रहा है एंड देन आप साइड जा सकते हैं। यहाँ पे भी एक रैली आया था एंड देन यहाँ पे सपोर्ट ली और यहाँ पे रैली जा सकता है, ठीक है। ये 1 आवर टाइम फ्रेम में काइंड ऑफ बुलिश स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो दैट्स वाई मेरा भी जो व्यू है वो अभी स्लाइडली बुलिश है, ओके। अगर हम 15 मिनट पर स्विच करेंगे ना, 15 मिनट पर यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप देखोगे कि 15 मिनट पे स्लाइडली रिटेस्ट ले रहा है और यहाँ पे एक हार्डल है। अगर इस लेवल के ऊपर आ जाए ना तो मार्केट थोड़ा सा मूव दिखा सकते हैं, 61,500 तक अपसाइड मूव दिखा सकते हैं, तो ये एक हार्डल बन सकता है। सो लेट्स सी, यहाँ पे मैं लॉन्ग पोजीशन ले रहा हूँ क्योंकि ओवरऑल ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ ट्रेंड बुलिश है, रिटेस्ट लिया फिर अपसाइड गया एंड ये जो जोन है इस जोन पे थोड़ा सा रिटेस्ट 0.3 फिबोनाची रिट्रेस अगर बात करें यहाँ से, तो यहाँ पे मैं इसलिए एंट्री लेना चाहूँगा एंड लॉन्ग पोजीशन लेना चाहूँगा, ठीक है। तो साइड हमने चूज़ कर लिए हैं लॉन्ग। लॉन्ग हम कॉल ऑप्शन बाय करके जा सकते हैं या फ्यूचर को भी बाय कर सकते हैं या पुट को शॉर्ट कर सकते हैं। बेसिकली मैं क्रिप्टो में शॉर्टिंग पसंद करता हूँ, शॉर्ट करके ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है प्रॉफिटेबल होने का, ठीक है। 65% प्रोबेबिलिटी होते हैं, मैं ट्रेड करके भी दिखाया। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाते हैं, 200 times तक लेवरेज मिल जाते हैं। आप अपने हिसाब से अगर इनिशियली कर रहे हो तो 100 ले लो, ठीक है, सो ज़्यादा मत लो। अभी मैं यहाँ पे क्वांटिटी भरना है कॉन्ट्रैक्ट USD BTC, तो मैं यहाँ पे चलो 138-200 BTC मैं यहाँ पे ट्रेड करना चाहूँगा। सो लिमिट प्राइस देंगे 885 पे एंड प्लेस कर दो, ठीक है। ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड। सिंपली यहाँ पे भी देख सकते हो 890 चल रहा है, कभी भी ये ओपन ऑर्डर है हमारा। फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए आपको 8 बजे के बाद करना चाहिए, थोड़ा मोमेंटम मिलते हैं अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, और 1:3 रिस्क एंड रिवार्ड को जरूर फॉलो करिए मिनिमम। जस्ट मिस द मूव राइट, यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एंट्री ऑर्डर लगाया, थोड़े के लिए यहाँ पे एग्जीक्यूशन नहीं हुआ एंड अभी देखो 100 पॉइंट यहाँ पे मूव दे दिया। अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था यहाँ पे अगर एग्जीक्यूट हो जाता तो, बट कोई नहीं, हम इंतज़ार कर लेंगे थोड़ा सा, देखते हैं। इस लुक बोलिस या फिर ट्रैप कैंडल भी बन सकता है, यहाँ पे लॉन्ग बना के रेड कैंडल बना देगा एंड स्विंग के नीचे क्लोज दे देगा, तो मार्केट और डाउन जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट अभी का जो डायरेक्शन है वो बुलिश साइड है 1 आवर टाइम फ्रेम में, सो मैं भी यहाँ पे लॉन्ग ही करना पसंद करूँगा विथ प्रॉपर एसएल।
गाइस अभी देखिए यहाँ पे हमारा एंट्री ऑर्डर से 200 पॉइंट अपसाइड मूव दे चुका है। रिग्रेट फील कर रहा हूँ मैं गाइस, अभी बढ़िया यहाँ पे प्रॉफिट बन सकता था, एसएल को ट्रेल करके यहाँ तक ला सकता था, ठीक है। सो सही प्रेडिक्शन था, बट कोई नहीं, थोड़ा देखते हैं। मेरे हिसाब से और थोड़ा यहाँ पे अगर आ जाए तो मैं एंट्री लेने वाला हूँ। थोड़ा सा रिट्रेस तो आया था बट फिर यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। चलिए मैं 61,070 एग्जीक्यूट करते हैं, एंड ये एग्जीक्यूट हो चुका है। एंड ये देखिए स्टॉप लॉस, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस तो अभी नहीं रखेंगे, 609। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस है हमारा $30, राइट, 30 USD स्टॉप लॉस। यहाँ पे टारगेट भी प्लेस कर देते हैं, ऐसे भी थोड़ा मूव हमारा मिस हो चुका है। सो यहाँ पे टारगेट मैं रखता हूँ 61,288,376। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे इसमें टारगेट रखना चाहूँगा, आप यहाँ पे 1:3 रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ प्लेस कीजिए, यानी $90, क्योंकि मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करके लेके चलूँगा लॉस को लिमिट करते हुए। सो दैट्स वाई अभी मैं $63, दैट्स मीन 1:2 रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। सो चलिए अभी $17 के आसपास हो रहा था प्रॉफिट। यहाँ पे अगर मैं एंट्री ले लेता तो मोर देन $100 प्रॉफिट यहाँ पे बन सकता था इजीली। चार्ट के ऊपर आपको यहाँ पे अपना पोजीशंस दिख जाते हैं, आप अपने हिसाब से सेल को ट्रेल करना है, थोड़ा सा स्लाइड यहाँ पे, तो और भी देखिए मैंने कर दिया, तो इस तरह चीज़ें हो जाते हैं इजीली। तो अभी हमारा जो रिस्क है $30 नहीं, अभी $28 के आसपास है, $24 ऑलरेडी मिल रहा है हमको। एंड यहाँ पे आप ओवरऑल हमारा जो बैलेंस है वो आपको दिख जाएगा, $200 आ चुका है, 17,000 यहाँ पे कुछ चार्जेस जाएगा $7 के आसपास जब हम एग्जिट करेंगे। सो अभी देखोगे तो $40 के आसपास मिल रहा है हमको यहाँ पे $40, राइट, अभी टारगेट हिट करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले ही कहा कि 1:3 रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ, और अभी मैं सेल को ट्रेल कर देता हूँ लाइक हियर, ओके, CTC पर मैंने सेल को ट्रेल कर दिया, जस्ट चार्जेस ही जाएगा। अभी तो थोड़ी देर मैं इसको और ऊपर कर देता हूँ ताकि अभी चार्जेस भी निकल जाए, ठीक है, चार्जेस भी निकल जाए। एंड यहाँ पे देखो 15,000 से हमने किया था, चार्जेस डिडक्ट होने के बाद भी 2,000 रुपीज़ प्रॉफिट में अभी भी है अगर हम एग्जिट भी कर दें तो, ये काफ़ी होता है। दिन में 2 ट्रेड कीजिए, ये जो सीरीज़ है यहाँ पे देखिए 10,000 से मैंने यहाँ पे ट्रेड करके दिखा रहा हूँ, 10,000 ऑप्शन सेलिंग कर रहा था। बहुत सारे कमेंट मिल रहे सर आप फ्यूचर ट्रेडिंग भी कीजिए, तो मैं फ्यूचर ट्रेडिंग करके पहले दिन भी मैंने किया था। इस वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर बताया कि 10,000 कैपिटल से कैसे आप ट्रेड कर सकते हो, कितना चार्जेस वगैरह सारी चीज़ एक्सप्लेन है, इस वीडियो को ज़रूर देख लो, ठीक है। कभी भी आके SL भी हिट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि SL हिट नहीं होगा। सो इनिशियली हमने यहाँ पे पकड़ा था बेसिकली मूव को, दस मीन 300-400.1 BTC अगर होता तो यहाँ पे 50,000-60,000 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता, अभी 50-60,000 के आसपास, राइट। आपको बेसिकली देखना है एक ट्रेड में आप रिस्क कितना ले रहे हो और उनके अकॉर्डिंग आपका रिवार्ड क्या है, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा सबसे पहले india.deltaexchange पर जाके आप अकाउंट ओपन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आफ्टर अकाउंट ओपन इस तरह आप सेलिंग करो, ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो 18 अगस्त 19 अगस्त मैंने सेल करके दिखाया, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है गाइस, ठीक है। डेली बेसिस आप 1,000 रुपीज़ 1,200 1,800 500 रुपीज़ कमा सकते हो आप अगर प्रॉपर डिसिप्लिन से इनको एग्जीक्यूट करते हो। किसी किसी दिन लॉस भी होंगे लेकिन लॉस लिमिटेड है आप अगर ये सारी चीज़ें फॉलो करके करोगे, ठीक है। अगर मुझे कुछ क्वांटिटी को एग्जिट करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी है, साइज देख लो, ये टोटल वैल्यू, ठीक है,
एंड एंट्री प्राइस कब एंट्री किया था, टारगेट टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस, इंडेक्स प्राइस, ठीक है ये फ्यूचर है तो इंडेक्स का भी तो प्राइस होंगे ना, तो बेस प्राइस, मार्केट प्राइस, अभी मार्केट का क्या प्राइस चल रहा है, एंट्री लिया गया था यहाँ पे, ठीक है, लिक्विडिटी प्राइस, ये वो प्राइस होते हैं कि अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं रखते हो और इस प्राइस को टच करे तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया ऑटोमेटिकली आपका पोजीशन को क्लोज कर देगा, राइट, एंड कुछ चार्जेस भी लगा देते हैं। ऑटो टॉप अप जो लिक्विडिटी प्राइस है इनको आप मूव कर सकते हो, ठीक है, और नीचे ला सकते हो आप अगर बाइंग कर रहे हो तो दैट्स ऑल राइट। अगर मुझे कुछ क्वांटिटी को एग्जिट करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड कितना क्वांटिटी टोटल 207 कितना क्वांटिटी मैं एग्जिट करना चाहता हूँ वो फिल करके यहाँ पे एग्जिट कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं फुल क्वांटिटी अगर मैं एग्जिट कर दूँ तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आप देख सकते हो 34 USD। ज़्यादा लालच नहीं, अभी देखिए मैं क्या करता हूँ, टारगेट को थोड़ा और बढ़ा कर देते हैं एंड स्टॉप लॉस को ट्रेल करके लेके चलते हैं। स्टॉप लॉस अभी इस कैंडल के बिलो रखने वाला हूँ, ठीक है, अगर थोड़ा सा बिग कैंडल बन जाएगा ना तो बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है, ओके, अदरवाइज़ यहाँ पे प्रॉफिट तो फिक्स्ड है, 384 आ चुका है, $44 प्रॉफिट चल रहा है। अभी तो मैं 5 मिनट पे शिफ्ट करता हूँ क्योंकि अभी एग्ज़िट करना है। थोड़ा सा ये सेल है, हिट कर जाए एग्ज़िट कर जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी हिट हो सकता है, इतनी सी गैप है 30 पॉइंट का, कभी भी हिट कर सकता है, बट मैं एग्ज़िट कर लूँगा, प्रॉब्लम नहीं है, तब भी हमको यहाँ पे $40 के आसपास मिल जाएगा। चार्जेस भी अगर चला जाए तब भी 2000-3000 आसपास प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे जो USD है 85 से मल्टीप्लाई कर दो तो रुपीस में आ जाएगा, चार्जेस लगेगा $14 के आसपास, $14-15 टोटल एंट्री एंड एग्जिट मिला के। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ जो भी स्टॉप लॉस रख रहे हो उनके 3 times टारगेट रखो, ये परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट है, इनका कोई एक्सपायरी नहीं है, आप होल्ड कर सकते हो ईजिली, चार्जेस तो एंट्री एंड एग्जिट में ही लगेगा। जा रहे ऊपर, ओके, हिट अभी भी नहीं हुआ है, इट्स बुलिश, 466 में हमने कर चुके हैं सेल को ट्रेल, हो चुका है यहाँ पे हिट एंड चार्जेस डिडक्ट होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमने 15,700 से स्टार्ट किया था, 17,800 यानी 2,000 रुपीज़ चार्जेस डिडक्ट होने के बाद हमारा प्रॉफिट यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। सो इट्स ओके, यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेस ले सकते हैं टिल हियर एंड देन आप मूव कंटिन्यू होता हुआ दिख सकते हैं। यहाँ पे ट्रेड करने के लिए मैं ओवरऑल 1 मिनट टाइम फ्रेम में पहले डिरेक्शन फाइंड आउट करता हूँ एंड देन 15 मिनट पे ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप हमारे सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो, वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो जरूर एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर।